नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी कई सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। लेकिन हाल ही में उर्वशी ने ऐसा पोस्ट किया जिसमें उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। दरअसल उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस वीडियो पर लिखा है, उर्वशी ने एक्स बॉयफ्रेंड से मांगी मदद। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो के लिए जिम्मेदार मीडिया चैनल प्लीज यूट्यूब पर ऐसे वीडियो अपलोड ना करें। मेरी एक फैमिली है जिसे मुझे जवाब देना होता है और ये सब मेरे लिए दिक्कत करता है। हाल ही में दोनों स्टार्स के नाम पर एक फर्जी वीडियो यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर लिखा है, उर्वशी ने एक्स बॉयफ्रेंड से मांगी मदद, जिस पर एक्ट्रेस और हार्दिक पांड्या की तस्वीरें लगी हैं। बता दें, इससे पहले भी दोनों के लिंकअप्स की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन हर बार उर्वशी ने इससे इनकार किया है। हार्दिक पांड्या और उर्वशी रौतेला काफी अच्छे दोस्त हैं। उर्वशी ने एक बार हार्दिक पांड्या और उनके भाई को लेकर एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। इस दौरान उन्होंने लिखा कि दोनों का प्यार देखकर मुझे अपना भाई यशराज रौतेला याद आ रहा है। वहीं हार्दिक पांड्या के साथ बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है, जिसमें एली अब्राहम, ईशा गुप्ता जैसी एक्ट्रेसेस शामिल हैं। एक वेबसाइट के रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों उर्वशी ने वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या को मैसेज किया था, अपनी माँ और खुद के लिए वर्ल्ड कप का फ्री पास अरेंज करने के लिए कहा था। पास अरेंज नहीं हो पाने की वजह से वह वर्ल्ड कप नहीं देख पाई थी। इस खबर पर उर्वशी ने रिएक्ट करते हुए कहा, ये सब कुछ झूठ है। उन्होंने बताया कि ये बकवास बातें मेरे एक्स मैनेजर द्वारा फैलाई गई हैं। नौकरी जाने के बाद वह बदला लेने के लिए इस तरह की बकवास खबरें फैला रहा है। बात करें उर्वशी रौतेला के वर्क फ्रंट की, तो वह जल्द ही फिल्म पागलपंती में नजर आने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर, जॉन इब्राहिम और इलियाना डिक्रूज लीड रोल में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रिपोर्ट इंडिया की खबर।